हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UGC नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर वन जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है दिसंबर 2023 के लिए। ऑलरेडी प्री बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आपको दोनों पेपर्स यानी पेपर वन और पेपर टू कॉमर्स का यूनिट वन से लेकर टेंथ तक कम्प्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको PDF नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस YouTube पे कंडक्ट की जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। जस्ट आपको करना क्या, एक तो आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे आप, यहाँ पे हमारी 130 प्लस फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं। यहाँ पे आपको PDF नोट्स इंग्लिश और हिंदी में जो हमारे डेली मॉक टेस्ट हो रहे हैं या क्विज़ हो रहे हैं वो मिल जाएंगे, वो भी इंग्लिश और हिंदी में। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स होंगे वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो क्लासेस हैं जिस पे सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है वो यूट्यूब चैनल पे है। वो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, बिल्कुल फ्री कंटेंट है। सो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लो। आज हमारी पेपर टू कॉमर्स की क्लास है, यानी ऑलरेडी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट की हुई है। सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सो इट विल बी अराउंड पेज 144। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिया है, ये भी किया हुआ है। हाँ, आज हमने जो टॉपिक करना है हमने करनी है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें हम प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन और पीक लोड प्राइसिंग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है ना, ये बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, बिजनेसेस का काम क्या, वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं, उनको रेंडर करने हैं। अगर उनको एक ऐसा प्राइस वो नहीं सेट कर पाते कि जिस प्राइस से उनको प्रॉफिट या मार्कअप बचे, तो उनके लिए लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। सो उन्होंने एक ऐसा प्राइस सेट करना ना जिससे उनको प्रॉफिट भी आए, उनका प्राइस भी ज़्यादा ना हो, मतलब वो उनको कॉम्पिटिटिव मार्केट में रखे और उनकी जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी कवर कर ले। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं जब प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। सो जब आप प्रोडक्ट का अपना इनिशियल प्राइस, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम आप अपना प्राइस सेट करते हो, तो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फर्म्स के द्वारा फॉलो की जाती हैं। उनमें से जो तीन सबसे कॉमन स्ट्रेटजीज हैं, एक तो है प्राइस स्कीमिंग, दूसरी है प्राइस पेनिट्रेशन एंड तीसरी है पीक लोड प्राइसिंग। इनको आज हम डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी आती है वो आती है प्राइस स्कीमिंग की। ठीक है, सो जो ये आपकी प्राइस स्कीमिंग की स्ट्रेटजी है, इसमें बिजनेस क्या करता है, वो जब प्रोडक्ट पहली बार आता है ना, वो इनिशियली उसका प्राइस प्रोडक्ट या सर्विसेज का हायर सेट करता है। मतलब जब प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले वो आएगा, जो इसका इनिशियल प्राइस होगा प्रोडक्ट का, वो बहुत ज़्यादा रखा जाएगा, मतलब हायर सेट किया जाएगा, और कुछ टाइम बाद उस प्राइस को ग्रेजुअली लोअर कर दिया जाता है इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। यानी स्कीमिंग की स्ट्रेटजी क्या है, इसको सिंपल सी बात है, जब आप पहली बार, मतलब जब पहली बार प्रोडक्ट इनिशियल लेवल पे आएगा तो प्रोडक्ट का प्राइस हायर होगा, कुछ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेजुअली लोअर करते जाएंगे। यानी जो ये स्ट्रेटेजी है, इसे ऑफन तब यूज़ किया जाता है जब कंपनी नए प्रोडक्ट्स को, यानी खास करके मार्केटर्स जो उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो उनको लगता है कि पैसा अच्छा स्ट्रॉन्ग ला सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को, यानी उनका प्राइस सेट करने के लिए ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। ये तो एक पॉइंट हो गया। यहाँ सेकंड, अगर आपने टारगेट करना है अर्ली अडॉप्टर्स को, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को सबसे नंबर पहले पे लेना चाहते हैं, जैसे यानी उनकी साइकी ही ऐसी है, उनका दिमाग ही ऐसा कि वो मतलब सभी से आगे रहना चाहते हैं, वो कोई भी प्राइस पे कर सकते हैं, बस उन्हें चीज़ सबसे पहले चाहिए, यानी ये होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। और जो कस्टमर जो प्रीमियम प्राइस पे करने को भी तैयार है, यानी ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं। जब ये तीन चीज़ें फर्म ने करनी हो तो वो प्राइसिंग स्कीमिंग की पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। यानी जो प्राइस स्कीमिंग का सिंपल ऑब्जेक्टिव यही है, जो इनिशियल प्राइस होंगे, यानी जो आपके इनिशियल स्टार्टिंग के प्रॉफिट्स होंगे ना, उनको मैक्सिमाइज किया जा सके, और कैपिटलाइज करना जो कस्टमर्स की, जो सर्टेन कस्टमर, यानी कुछ ऐसे गिना चुने हुए कस्टमर्स हैं जो उनकी विलिंगनेस है कि वो हायर प्राइसेस पे कर सकते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं, यानी जो ये प्राइस स्कीम है उसका लक्ष्य एक ही है, मतलब जब आपने पहली बार प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, बीइंग अ इनोवेटिव या न्यू प्रोडक्ट, या अपने अर्ली अडॉप्टर्स के लिए या वो कस्टमर्स के लिए जो विलिंग है हाई प्राइस पे करने के लिए, जब उनकी सेटिस्फेक्शन या नीड्स को आपने पूरा करना, तो अब आप प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी को फॉलो करोगे। इससे क्या होगा, जो आपके इनिशियल लेवल के, यानी सबसे स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट्स होंगे ना,
वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी वो मैक्सिमाइज। और आप अपने कस्टमर्स की जो हाई प्राइस पे करने को विलिंग है उनको कैपिटलाइज करके उनकी सेटिस्फेक्शन अचीव करवा पाओगे। यानी क्या होता है, जब आपने तो अपना मतलब स्टार्टिंग में सिंपल, अगर आपको मैं हिंदी में सिंपल भाषा में बताऊं, आप पहली स्टेज पे ही अपना प्रॉफिट पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर अप कर लेते हो। अब जैसे कॉम्पिटिटर्स एंटर करते हैं, फिर जो मार्केट डिमांड है, यानी मार्केट या डिमांड है, वो जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है उनकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। सो देखो मतलब क्या कहना चाहते हैं, जब देखो पहले बींग आपने सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया, आपने अपना स्टार्टिंग में अपना प्रॉफिट बहुत कमा लिया, ठीक है। अब देखो आपके प्रोडक्ट को इमिटेट करेंगे, यानी कॉम्पिटिटर सेंटर होंगे। जैसे जैसे कॉम्पिटिटर सेंटर होना, फर्म्स नहीं आपके प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगी, यानी तब क्या होगा, जो मार्केट है या मतलब जो डिमांड है वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए हो जाएगी। यानी जो आपके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, जो उनकी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर थोड़ी आपके जितने हाई प्राइस पे बेचेंगे। अब फिर फर्म क्या करेगी, उस डिमांड को भी मेंटेन करने के लिए, और जो मतलब अपना कस्टमर वो खोना नहीं चाहते, उसके लिए क्या करेंगे, वो ग्रेजुअली अपना प्रोडक्ट का प्राइस लोअर करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा बड़े कस्टमर बेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये सारा फंडा था प्राइस स्कीमिंग का, ठीक है। यानी सिंपल अगर एक लाइन में बताया जाए तो आप हाई प्राइस सेट करते हो जब फर्स्ट प्रोडक्ट को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद ग्रेजुअली उसका प्राइस लोअर कर दिया जाता है जैसे जैसे प्रोडक्ट मतलब इम्पोर्टेंस कह लो, या मतलब उसको मतलब कह सकते हो कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की फेम बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे उसका कवरेज कस्टमर की बढ़ती जाती है, ये होती है प्राइस स्कीमिंग। एक बार अगेन कर लेते हैं अच्छे से, देखो मतलब अच्छे से इन द सेंस एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ अगेन कि मतलब क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट। सिंपल चीज़ है, ध्यान से समझो। यानी स्कीमिंग में आप क्या करते हो, आप इनिशियल प्राइस को हायर सेट करते हो जो प्रोडक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद आप ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, कस्टमर बेस बढ़ता जाता है, फिर आप उसका ग्रेजुअली प्राइस लोअर करते रहते हो। इस स्ट्रेटेजी को ज़्यादातर तभी यूज़ किया जाता है जब आपका न्यू या इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसके यूनिक फीचर्स हैं, वो किसी के साथ मैच नहीं खाते, यानी जो फीचर्स वो बेनिफिट वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा उसकी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने अभी तक ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड की ही नहीं। यानी जब आप प्रोडक्ट का इनिशियली जब उसे इंट्रोड्यूस करोगे मार्केट में, यानी वो ऐसी सेगमेंट होगी कस्टमर्स की जिसमें वो इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें कस्टमर विलिंग है कि वो हायर प्राइस पे करेंगे, उनको बस चाहिए क्या कि हमें चीज़ सबसे पहले मिलनी चाहिए, यानी वो प्रोडक्ट को पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये कस्टमर की साइकिल है, ठीक है। सो जब आप हायर प्राइस ऐसे कस्टमर्स के लिए हायर प्राइस सेट कर देते हो इनिशियली, तो कंपनी को जितना उन्हें पॉसिबल प्रॉफिट है वो कैप्चर कर लेंगे, यानी उन अर्ली एडॉप्टर वो बंदे हैं जो प्रोडक्ट को सबसे पहले बार खरीदना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो वो रेडी है हाई प्राइस पे करने को। सो कंपनी स्टार्टिंग में ही अपने प्रॉफिट मार्जिन पूरे कर लेती है, यानी इन शॉर्ट आप कह लो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही पूरी हो जाती है। सो जैसे जैसे अब टाइम बीतता जाएगा, अब कॉम्पिटिटर्स एंटर करते जाएंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा, और मार्केट डिमांड के डायनामिक्स चेंज होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी, यानी ऑब्वियस बात है जो कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस हैं वो कम होंगे। सो अब कंपनी क्या करेगी, उसी सेम प्रोडक्ट का, अब उनका प्रॉफिट मार्जिन पूरे हो गया, अर्ली अडॉप्टर की सेटिस्फेक्शन नीड्स भी पूरी हो गई, वो उसी प्रोडक्ट का ग्रेजुअली प्राइस लोअर करना स्टार्ट कर देंगे, यानी वो धीरे धीरे उसको प्राइस को लोअर कर देंगे, ताकि वो अट्रैक्ट कर पाए ब्रॉडर कस्टमर पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हैं उनको रिमेंटेन कर पाए, और नए प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। इससे क्या होगा, इससे कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा, यानी इन शॉर्ट ये चीज़ अलाउ करेगी कंपनी कि वो मार्केट में गहराई में डीपर पेनिट्रेट कर पाए, और प्राइस सेंसिटिव जो सबसे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, जो एक रुपये की चीज को भी लेके भड़क जाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर पाए, यानी जो इनिशियली उस प्रोडक्ट को खरीदते नहीं थे क्योंकि उनको लगता है ये बहुत महंगा, अब आपने इतना प्राइस लोअर कर दिया कि वो भी परचेज कर पाए, इससे आपका लॉयल कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इन शॉर्ट जो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है कंपनी को हेल्प करती है कि वो अपनी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में, यानी जब वो अर्ली स्टेजेस उसकी प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन है, तभी वो अपने प्रॉफिट्स को सारों को मैक्सिमाइज करके जितना पैसा वो कमाना चाहता है कमा ले, और जब क्योंकि जब प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन होती है ना, जब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज होती है, तब जो उसकी डिमांड है ना वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, मतलब वहाँ पे तब आपके प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स ज़्यादा नहीं होते, यानी जो कंपनियाँ वो एडवांटेज लेती है जो उन कस्टमर्स की जो विलिंग है प्रीमियम प्राइस पे करने को फॉर अ न्यू एंड डिजायरेबल प्रोडक्ट। मतलब आप देखो सपोज करो जैसे लाइक
कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब आना ही काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कस्टमर्स उनको इनोवेटिवली ईगरली वेट करते हैं उनके आने के लिए। सो स्टार्टिंग में उन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ना वो इनलास्टिक होती है, यानी कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस पे करने को भी रेडी होते हैं। यानी ठीक है, इन समझ आ गया था। सो जो प्रोडक्ट जैसे जैसे अब इंट्रोडक्शन में आपने कंपनी में प्रॉफिट पूरा मुनाफा कमा लिया, अब जैसे जैसे प्रोडक्ट मैच्योर होता जाएगा और मतलब उसकी स्टेज मैच्योरिटी की पीएलसी की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज में यानी मैच्योरिटी की आएगी, अब वो अपनी ग्रोथ से भी आगे आ चुका है, मतलब उसको हर जगह हर जाने को पता कि वो प्रोडक्ट है, तब उसको और वाइड स्प्रेड करने के लिए प्राइस रिडक्शन की जाती है। अब उसका प्राइस और बढ़ाने की बजाय उसको रिड्यूस किया जाता है, ताकि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं वो भी आपके प्रोडक्ट पे बने रहें, जिससे आपकी एडिशनल सेल्स वॉल्यूम होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट था प्राइस स्कीमिंग का, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझ गए। सो इसको अच्छे से कर लेना। आगे आती है प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है। देखो, प्राइस पेनिट्रेशन प्राइस स्कीमिंग का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। प्राइस स्कीमिंग में आप इनिशियली हाई प्राइस सेट करते थे, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता था आप उसको लोअर करते थे। प्राइस पेनिट्रेशन में बिजनेस पहले लोअर प्राइस सेट करेगा अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का, और जैसे ही उस प्रोडक्ट को उसका रिक्वायर्ड मार्केट शेयर मिल जाएगा, यानी वो लार्ज कस्टमर बेस को अट्रैक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद उसका प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो प्राइमरी गोल है पेनिट्रेटिंग द मतलब जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग की पॉलिसी है, जो इसका मेन मुद्दा, जो इसका मेन लक्ष्य ये है कि हम पहले मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, एक कस्टमर बेस बनाएंगे और फिर उसके प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब इन शॉर्ट, पहले लोगों को जोड़ो अपने साथ, जब लोग जुड़ जाएंगे फिर उसका प्राइस हायर करो, यानी फिर आपके इनिशियल प्रॉफिट्स मतलब आपके प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इवन इफ इट मीन सेक्रीफाइस द इनिशियल प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट, मतलब सिंपल चीज़ है। यानी अगर आपको अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कस्टमर का, आपको पहले मार्केट में पेनिट्रेट करना है लोअर प्राइस सेट करके, इवन अगर आपको अपने प्रॉफिट कुछ गंवाने पड़े ना, तब वो भी जाएगा, गवाओ उनको, बट अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। यानी जो प्राइसिंग प्राइस पेनिट्रेशन की पॉलिसी है ना, ये ज़्यादा तब कंपनीज यूज़ करते हैं जो एक अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, यानी जो ये चाहते हैं कि हर बंदे के मुंह पे उनके ही ब्रांड का नेम हो, और वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करेंगे जहाँ पे जो कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी है ना बहुत ज़्यादा है, और इवन उनको जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेम प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं, उनका जो थ्रेट है उसको भी काउंटर करना है, उससे भी मतलब उसको भी फेस करना है। सो जब ये चीज़ें करनी हो तो जो प्राइस पेनिट्रेशन, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। जब एक बार बिजनेस ने सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, मतलब उसको पता उसका ये स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन चुका है, फिर वो ग्रेजुअली थोड़ी धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज करेगा या एडिशनल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगा या सर्विसेज लेके आएगा जिससे जिसके हायर प्राइस पॉइंट्स हो गए। मतलब दो चीज़ें कर सकते हो, जब आपका कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग बन गया, या तो आप उसी प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दो जिससे आपके प्रॉफिट इंक्रीज होने स्टार्ट कर जाएंगे, या आप उसके रिलेटेड कोई ऐसी न्यू प्रोडक्ट या एडिशनल प्रोडक्ट या सर्विसेज लेके आओ जिसके हायर प्राइजेस हों, यानी कंज्यूमर आपके विलिंग हो गए उस चीज़ को लेने के लिए, वो आपको हायर प्राइजेस दे देंगे। सो यानी जो फर्म है वो लोअर प्राइस चार्ज करती है टू गेन मार्केट एंट्री, सिंपल फंड है, समझ गए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है वो आती है पीक लोड प्राइसिंग की। देखो, जो आपकी पीक लोड प्राइसिंग की स्ट्रेटजी है, इसे यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में जहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएट करती है, यानी जिसमें सीजन्स आते हैं, या तो एक पीक पीरियड होता है एक ऑफ पीक पीरियड्स होता है। सो जो आपकी डिमांड है जब पीक पीरियड में ज़्यादा होगी ऑफ पीक पीरियड में कम होगी, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के प्राइसिंग्स को फ्लक्चुएट किया जाता है। यानी फिर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, यानी इस स्ट्रेटजी में हायर प्राइजेस सेट किए जाते हैं जब पीक पीरियड्स पर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, और लोअर प्राइजेस सेट किए जाते हैं ऑफ पीक पीरियड्स में जहाँ पे डिमांड बहुत कम होगी। सो जब जो फॉर्म्स है जब वो हायर प्राइजेस चार्ज करती हैं पीक पीरियड्स में, जब उनके डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, तब उस टाइम पे वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करती हैं और अपने रिसोर्सेज जो वो यूज़ कर रही हैं प्रोडक्शन में उसकी मैक्सिमम यानी बेटर मैनेजमेंट की जाती है, एफिशिएंट वे में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की। यानी कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेटजी है जो पीक और ऑफ पीक पीरियड को बैलेंस करके चलती है, इसका मेन लक्ष्य यही है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के जो डायनामिक्स है उसको बैलेंस किया जा सके। अब बैलेंस कैसे करना है, बाय इंसेंटिवाइजिंग कस्टमर्स टू शिफ्ट देयर कंजम्पशन टू ऑफ पीक पीरियड्स थ्रू लोअर प्राइसेस।
यानी आप बैलेंस क्या दे? देखो पीक पीरियड ऐसी चीज़ है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई नहीं, और मतलब प्रोड्यूसर के पास चीज़ें होंगी ही नहीं सप्लाई करने को, सो वो आधे तो कस्टमर उसके लॉस हो जाएंगे। सो इस चीज़ लॉस को मेंटेन करने के लिए ना पीक और ऑफ पीक में बैलेंस कर दिया जाता है। यानी वो क्या कहते हैं, अगर जो कस्टमर्स मतलब जितनी डिमांड है आप तो जितनी सप्लाई है आप तो उतनी चीज़ें ही दे सकते हो ना, मतलब जो एक्सेस डिमांड है उसको ऑफ पीक पीरियड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये शिफ्ट के लिए वो क्या करते हैं, ऑफ पीक पीरियड में प्राइस को लोअर कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये बैलेंस बना रहे, मतलब प्रॉफिट सालों के दोनों पीरियड्स में प्रॉफिट ही हो एट द एंड, ठीक है। सो जो इंडस्ट्रीज कॉमनली इस पीक लोड प्राइसिंग को यूज़ करती है, इसमें आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एयरलाइंस होगी, ट्रेन्स होगी, जैसे जो सीजन्स होते हैं लाइक फेस्टिवल सीजन्स, वहाँ पर डायनामिक प्राइसिंग होने के कारण राइजेस होंगे। सो यूटिलिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी होगी या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होगी, वो पीक लोड प्राइसिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक लाइन कही थी उन्होंने, वो समझो पहले, व्हेन अ फर्म इज प्रिपेयर टू इनकर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इट कैन यूज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रश गुड्स टू द डिजायर्ड वेयरहाउस रिड्यूसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड एक अजर्शन में क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था अगर फर्म रेडी है, वो स्टार्ट मतलब वो उन्होंने पूरा क्लियरली एक्सप्रेस कर दिया कि वो अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ भी गई है ना, अगर इंक्रीज भी है, वो भी वो बेयर करने को तैयार है, वो भी वो पे करने को तैयार है। सो अगर फर्म पे करने को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हायर तैयार है, तो फिर वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती है अपने गुड्स को अपने वेयरहाउस तक पहुँचाने के लिए। और इससे एट द एंड अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो उनका उनको ही फायदा होगा, उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सो ये चीज़ें थी, ये याद रखना। आगे कुछ और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आती हैं, जिनमें से सबसे पहले आती है रैम से प्राइसिंग। इसको ये ना मैचिंग का क्वेश्चन आया था, एक लिस्ट में आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के नाम दिए थे, दूसरी लिस्ट में एक्सप्लेनेशंस दी थी। जो रैमसे प्राइसिंग का वो मैच खाती है, डैट इज प्राइस डेविएशंस फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल वो क्या कह रहे हैं, जो रैमसे प्राइसिंग वो ये क्या कह रही है, देखो जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, डैट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, जो उससे प्राइस डेविएशंस हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी जो आपके प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस लास्ट डिमांड होगी। यानी इनका डायरेक्ट कोई नाता नहीं है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक इधरली बढ़ेगी तो उधरली कम होगी। सो इन शॉर्ट जो मार्जिनल कॉस्ट से आपकी प्राइस डेविएशन हो रही है रैमसे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट है। सेकेंड उन्होंने कहा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। देखो जो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है ना, ये फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें मार्कअप भी आता है। यानी आपका जो टारगेट रिटर्न आप चाहते हो, मतलब आप जैसे अगर आप 100 का प्राइस आप 100 का प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको 150 वापस मिले, ये वो आपकी टारगेट रिटर्न है। 100 का बना 150 आप चाहते हो, और यानी जो 50 का बीच है डैट विल बी मार्कअप। सो ये ऐसी कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जिसे कंप्लीट फॉर्म में कहा फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहा जा सकता है, जिसमें मार्कअप आ जाता है, कंपटीशन की इवन डिग्री भी आ जाती है कि आपने कंपटीशन को भी मद्देनजर रख के प्राइस को सेट करना है, प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी को भी ऑब्जर्व कर रहा है, और इवन अगर प्रोडक्ट के क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है ना, इसे सबसे अप्रोप्रिएट कंसीडर किया गया प्रोडक्ट टेलरिंग में। ये भी क्वेश्चन आया था हम लाइक UGC के पेपर बहुत बार आया ये, कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो अप्रोप्रिएट है अगर आपने प्रोडक्ट टेलरिंग करनी है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर था कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आगे आती है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या है। देखो आगे चलते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब पहले एक लाइन सुनो, व्हेन डिमांड इज स्लैक एंड द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, फर्म्स ऑफन फॉलो द प्राइसिंग मेथड ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। सिंपल वो कहना क्या चाहते हैं, देखो जब डिमांड स्लैक है, डिमांड कम है, बट जो मार्केट है वो कॉम्पिटिशन बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसमें कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जो फॉर्म्स हैं वो कौन सा प्राइसिंग मेथड फॉलो करते हैं, दे फॉलो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब इसको करते हैं डिटेल में। देखो जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है, इसमें आप ऐसा प्राइस सेट करते हो प्रोडक्ट और सर्विस का जो बराबर होगा आपकी मार्जिनल कॉस्ट, जो उस प्रोडक्ट की सर्विसेज की आपको पड़ रही है। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको पता ही है, जो यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, ये आपको पता है। यानी जब आप ऐसा प्राइस सेट करते हो जो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, तो फर्म वो इवल है, वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही, स्लैक डिमांड होने के भी बावजूद
वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, यानी जो उनको पड़ रही है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की, और वो अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर फिक्स्ड कॉस्ट एंड ओवरहेड। बहुत सिंपल बात है, देखो जब एक प्रोडक्ट बनाया जाता है आपको एक उसकी टोटल कॉस्ट पड़ती है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कंपोनेंट है कॉस्ट का जो तो पड़ना ही पड़ना है, यानी वो इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट पड़ता ही पड़ता है, चाहे आप जीरो आउटपुट बनाओ चाहे जितना मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउट प्रोड्यूस करो वो सेम रहना। वेरिएबल आउटपुट आपका अकॉर्डिंग टू आउट, मतलब जो आप आउटपुट निकाल, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टू आपके आउटपुट वेरी करेगी। अगर कम लेवल है आउटपुट का तो वो कम होगी, अगर ज़्यादा है तो कम होगी। देखो जब स्लैक डिमांड है तो यानी तब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग को फर्म्स फॉलो करते हैं, वो अपना प्राइस ऐसे सेट करती हैं यानी जो उनकी जस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए। अगर उनकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब स्लैक डिमांड होगी तो फर्म्स में फेस डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस ड्यू टू एक्सेस सप्लाई और वीक डिमांड। यानी देखो अगर डिमांड स्लैक है तो चीज़ें बनी की बनी रह जाएंगे, एक्सेस सप्लाई तो फेस करनी ही पड़ेगी फर्म्स को, एक तो उनके डिमांड वीक है ऊपर से सप्लाई एक्सेस है, तो सो कहीं ना कहीं फर्म्स को डाउनवर्ड फेसिंग प्राइस का प्रेशर फेस करना पड़ेगा, यानी डाउनवर्ड प्रेशर आएगा प्राइसेस का, यानी उनको अपने प्राइसेस को लोअर करना ही पड़ेगा। सो अगर वो अपना मार्केट शेयर बनाए रखना चाहते हैं और अट्रैक्ट और साथ ही साथ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करना चाहते हैं ताकि उनकी कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज हो, तो फर्म्स को मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एज अ स्ट्रेटजी यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जो उनको अलाउ करता है कि वो कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे मार्केट में अपने प्राइसेस को लोअर करके एज इन कंपेरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। मतलब ये ऐसी प्राइसिंग है जो मल्टीपल एडजस्टमेंट्स अलाउ करती है फर्म्स को। सो इन शॉर्ट जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसेस है ये पर्टिकुलर रेलेवेंट उन इंडस्ट्रीज में है जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स होते हैं या सर्विसेज, यानी मतलब पेरिशेबल मतलब जो जल्दी से जल्दी जिनकी कंजम्पशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, यानी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है, जैसे ई टेबल्स होते हैं, ये वेयर अनयूज्ड कैपेसिटी और इन्वेंट्री कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड। यानी देखो पेरिशेबल गुड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, यानी जिनकी कंजम्पशन बहुत जल्दी है, जिनको जल्दी जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा कि वो मतलब ख़राब ना हो, यानी इनकी हम इन्वेंट्री या जो हमारी अनयूज्ड कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसको ज़्यादा टाइम तक आगे नहीं लेके जा सकते फ्यूचर पीरियड्स के लिए, ठीक है। सो जब आप प्राइसिंग करते हो मार्जिनल कॉस्ट पे तो जो फॉर्म है वो कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, पैसा उनके पास आ जाएगा नो डाउट प्रोडक्ट्स और सब्सिडीज को सेल करके, उसी पैसे को यूज़ करके वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवरअप कर लेंगे रैदर देन इंकरिंग कंप्लीट लॉस। देखो कुछ ना आने के बजाय कुछ तो आ रहा है ना, ये फंडा यहाँ पे चलता है, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है ना, कंप्लीट लॉस तो नहीं हो रहा ना, चीज़ें कुछ तो बिक रही है ना, अगर हम प्राइसेस को लोअर करते हैं उसकी मार्जिनल कॉस्ट तक ले जाते हैं। सो ये सारा कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग हमें समझाती है, ठीक है। सो आगे क्या कर, एक ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है दैट मे नॉट बी सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म, इट डज नॉट कवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड मे नॉट जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट फॉर होम। एक चीज़ याद रखना, ये अजर्शन और रीजन में पूछी जाती है, नो डाउट मार्जिनल कॉस्ट आपको शॉर्ट रन में फ़ायदा देती है, एटलीस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर रही है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, बट जो ये स्ट्रेटेजी है प्राइसिंग की ये लॉन्ग रन में सूटेबल नहीं है, नहीं सस्टेनेबल है, क्योंकि आप इतने प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट को ज़्यादातर बियर, मतलब कहना क्या चाहते हो, अगर आप अकेले वेरिएबल कॉस्ट बियर कर रहे हो मतलब उसके बराबर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं बट फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बियर नहीं हो रही, बट ये चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि लॉन्ग रन में दोनों कॉस्ट को ही बियर करना पड़ेगा, नहीं तो इट विल बी लॉस सिचुएशन फॉर योर फर्म। सो ये इतने सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट लॉन्ग टर्म में नहीं करते, सो ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन में इसका वायबिलिटी बहुत कम है। सो जो शॉर्ट टर्म में जो जब शॉर्ट टर्म होती है सो ये फॉर्म्स को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कि वो नेविगेट कर पाएंगे थ्रू पीरियड्स ऑफ स्लैक डिमांड, मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग शॉर्ट टर्म में फॉर्म्स को हेल्प करेंगे कि वो उस सिचुएशन से निकल पाए, बट वो उनकी साथ के साथ मार्केट में प्रेजेंट बने रहे, बट लॉन्ग टर्म डील के लिए ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है, इसको यूज़ भी नहीं किया जा सकता लॉन्ग टर्म में अगर फॉर्म्स अच्छा सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे आ रहा है, एक ना उन्होंने कहा था आपको स्ट्रेटेजीज तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी, उन्होंने कहा था यू हैव टू सीक्वेंस प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड अदर प्रैक्टिसेस
पहले लाइन समझो, सीक्वेंस ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड अदर प्रैक्टिसेस फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सिडियरी। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, उन्होंने आपको एक प्रोडक्ट दे दिया, वो बिल्कुल न्यू अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके वो कह रहे थे उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग एज उसके कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, आप कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे कैसे फॉलो करोगे, मतलब नीचे ऑप्शंस में दे दिया आपने, उसको करेक्ट वे में अरेंज करके बताना था। देखो जो सबसे पहले इनिशियली अगर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी, यानी जो प्रोडक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में और उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की जा सकती है। इसमें आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन स्टेज में हायर प्राइस सेट करते हो ताकि जो आम अर्ली अडॉप्टर्स को भी कैप्चर कर पाओ और कस्टमर जो हायर प्राइस पे करने को विलिंग है उनको कैप्चर कर पाओ और ग्रेजुअली फिर प्राइसेस को लोअर कर सकते हैं। सेकेंड यानी ये फर्स्ट स्टेप आ गया, सेकेंड में ग्रेजुअल राइज इन प्राइस, यानी जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ट्रैक्शन गेन कर रहा है, मतलब मार्केट शेयर गेन कर रहा है, कस्टमर बेस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और मार्केट में उसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है तो प्राइस का ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जा सकता है। यानी इस स्ट्रेटेजी में आप एडवांटेज लेते हो प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, उसकी फीचर्स की, एज उसकी डिमांड जब जनरेट हो रही है वो और ज़्यादा फैल रही है। लास्ट में सीक्वेंस में क्या आगा, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन, यानी जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ जाएगा, यानी उसका ऐसा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की जो ग्रोथ स्टेज है, यानी तब प्रोडक्ट को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स चाहिए, यानी उस पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स हो रही है वो की जा सकती हैं, इससे उसके फीचर्स भी इन्हांस होंगे, अच्छे हो जाएंगे, परफॉर्मेंस भी प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। एडिशनली मार्केट सेगमेंटेशन आप कर सकते हो, मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो टारगेट करने के लिए जो आपके स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स हैं, और अपने टेलर मार्केटिंग एफर्ट्स कर सकते हैं, यानी जौन सी मार्केट में जिस तरीके के जिस प्रकार के एफर्ट्स चाहिए उनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो ये था करेक्ट सीक्वेंस उन प्रोडक्ट के लिए जो बिल्कुल न्यू है और जिसके कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, उसकी प्राइसिंग कैसे होगी। अब यहाँ पे आगे, अभी ये तीन स्टेप्स हो गए, चौथा स्टेप हम करने से पहले ना, इसके बाद बेसिकली फाइव ऑप्शंस थे, फाइव करने हैं। सबसे पहले स्कीमिंग करो, फिर ग्रेजुअल प्राइस राइज करो, फिर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करो और मार्केट सेगमेंटेशन करो। पहले ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मैंने आपको और डिटेल में बताना है क्योंकि ये अकेला भी पेपर में बहुत आता है। नेक्स्ट चौथा स्टेप क्या, ग्रेजुअल रिडक्शन लाओ प्राइस की टू रिटेन सेल्स। अब आपने इनिशियली हायर प्राइस, मतलब इनिशियली आपने हायर प्राइस सेट किया, फिर ग्रेजुअल राइज और कर दिया प्राइस का जैसे जैसे डिमांड करती रही, फिर आपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट और मार्केट की सेगमेंटेशन कर दी, अब आप प्राइस में ग्रेजुअल रिडक्शन लाओगे अपनी सेल्स को बनाए रखने के लिए। यानी जैसे देखो, अब वो स्टेज आ गई प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल की जहाँ पे आप कॉम्पिटिटर्स एंटर करना स्टार्ट कर गए मार्केट्स में और प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपके लिए, फर्म के लिए नेसेसरी हो जाता है कि वो ग्रेजुअली प्राइस को रिड्यूस करें ताकि उनकी सेल्स मेंटेन रहे, रिटेन करें, इवन वो कॉम्पिटिटिव भी रहे साथ में, मतलब कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिटर से जो कॉम्पिटिशन आ रहा है उसको फेस करते रहे। सो कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेटेजी है वो हेल्प करती है मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए और कस्टमर एट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट जो स्टेप में, मतलब जो सीक्वेंस में स्टेप आएगा वो आएगा लार्ज प्राइस कट्स, यानी जब आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बहुत लेटर स्टेजेस आ जाएंगे, अगर आप जब मार्केट इन शॉर्ट उस प्रोडक्ट के लिए सैचुरेटेड हो जाएगी या प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस फेस करनी स्टार्ट कर देगा, मतलब ओल्ड डेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा कट्स करने पड़ेंगे प्राइस में, यानी प्राइस कट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप डिमांड को स्टिमुलेट कर पाओगे और कस्टमर्स को इनकरेज कर पाओगे कि वो अभी भी प्रोडक्ट को परचेज करें, मतलब सारा प्रोडक्ट जितना अवेलेबल है सप्लाई वो सारी की सारी उसको परचेज कर ले बिफोर जो प्रोडक्ट पूरा ही मार्केट से फेज आउट हो जाएगा। सो ये पांच स्टेप्स थे, यानी ये सीक्वेंस था प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का जो हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू अ न्यू प्रोडक्ट, उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट के जिसके क्लोज सब्सिट्यूट स्टार्टिंग में नहीं होते। अब इसमें मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का टॉपिक करवाना है, वो देखो एक बार। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट वैसे तो सीक्वेंस में थर्ड आता है, इसका मतलब क्या, देखो जैसे आपको पता है कि कंज्यूमर, अगर तो आपके कंज्यूमर की इनकम राइजिंग का सिनेरियो चल रहा है तो जो प्रेफर्ड डिसीजन चॉइसेस होंगे ना बिजनेस फॉर्म्स के लिए वो होगी लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट्स विद द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। लाइन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आपके कस्टमर्स की इनकम्स राइज हो रही हैं, वो सिनेरियो आप देख रहे हो, तो जो आपने एज अ बिजनेस डिसीजन चॉइस जो लेनी है वो यही होगी कि आपने लो इनकम इलास्टिक प्रोडक्ट्स को विद इम्प्रूवमेंट सेल करना है। यानी जो जब कंज्यूमर की इनकम राइज होगी तो उनके यानी परचेजिंग पावर राइज होगी, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा विलिंग होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव्ड या हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करें, ये तो चीज़ ठीक है।
यानी इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस तरीके की डिमांड को पूरा करने के लिए जो बिजनेस है ना वो फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनमें नए नए यूनिक फीचर्स लेके आना, उनकी परफॉर्मेंस अपने प्रोडक्ट्स की इंक्रीज करना, ताजो जो हायर इनकम कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, उनको कैप्चर किया जा सके। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे हमारी जो स्ट्रैटेजी आती है वो आती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की। देखो, जो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है, ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, ये मतलब मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू होती है, यानी जो आपके ये आपकी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग है, ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स प्राइस है ना, जो आपके मेन प्रोडक्ट का है उसको लोअर सेट किया जाता है। मतलब चीज़ें सिंपल सी हैं, सब जाता हूँ। देखो, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में जो मैन्युफैक्चरर है, जो मेन प्रोडक्ट है उसका लोअर प्राइस सेट कर देते हैं, और जो उसमें यूज़ होने वाले फर्दर प्रोडक्ट है उसका प्राइस हायर सेट किया जाता है प्रॉफिट्स को पूरा करने के लिए। इसको मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ, सिंपल वे में। आज के टाइम पे आप प्रिंटर्स के एग्जांपल हो, जो डेस्क जेट प्रिंटर्स होते हैं आपको पता है उसमें इंक कार्ट्रिज पड़ता है। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज प्रोडक्ट का मतलब प्रिंटर का प्राइस बहुत लोअर सेट करेंगे, जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि इतना अच्छा प्रिंटर इतने रेट में मिल गया, सारे फीचर्स हैं, और बाद में जो उसमें कार्ट्रिज यूज़ होगा वो इतने प्रॉफिट्स कंपनी को बना के देता ना। मतलब अगर उन्होंने अपना मेन प्रोडक्ट प्रिंटर लोअर प्राइस पे भी सेट किया ना, कार्ट्रिज डबल ट्रिपल रेट पे आपको मिलेगा, इंक कार्ट्रिज वो जो उसका प्रोडक्ट है ना उससे ही कंपनी अपने जो पहले लॉसेज है वो पूरे कर लेती है। ये होती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग की। इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना वो आया था रेजर्स और कैमरास की एग्जांपल के थ्रू। सो उन्होंने आपको पूरी एक केस स्टडी दी थी, वो कह रहे थे इसको स्टडी करके बताओ तो विच प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज फॉर्म्स फॉलोइंग इन दिस सिनेरियो। सो रेजर्स और कैमरास की ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल मीन सेम फॉलो की जाती है, यानी वो क्या करते हैं इस स्ट्रैटेजी में, जो मैन्युफैक्चरर जो उनका मेन प्रोडक्ट है उसको रिलेटिवली लो कॉस्ट सेट पे सेट कर देंगे, यानी वो हायर मार्कअप सेट करेंगे जो उनके मेन प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड है। यानी जैसे रेजर ले लो, रेजर का शेविंग के लिए रेजर यूज़ होता है, मतलब जो रेजर है उसका प्राइस कम होगा, जो रेजर के ब्लेड्स हैं उसका प्राइस ज़्यादा होगा, यानी उसमें मार्कअप प्रॉफिट का ज़्यादा होगा। सेम तरीके से जो कैमरास हैं उनका प्राइस कम होगा, जो उसमें फिल्म्स यूज़ होने, जो रैपिडली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स यूज़ होने उसका मार्कअप बहुत ज़्यादा होगा। सो जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना विद द लोअर प्राइस्ड मेन प्रोडक्ट, यानी मेन प्रोडक्ट इतना ही लोअर प्राइस पे होगा कि कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, उसको खरीद लेंगे, और उसके बाद प्रॉफिट किससे जनरेट करने हैं, जो उसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट है उसकी सेल से, जो इसेंशियल है। अगर वो आप एसोसिएटेड प्रोडक्ट, मान लो रेजर का रेजर ब्लेड नहीं खरीदा, कैमरा की फिल्म नहीं खरीदी, प्रिंटर का कार्ट्रिज नहीं खरीदा, तो ये चलेंगे कैसे, ये तो डब्बे हैं, फिर बेकार चीज़ें हैं। सो ये होती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट याद करो कि जो प्राइसिंग, देखो मैंने आपको अलग अलग प्राइसिंग करा दी, स्ट्रैटेजीज करवाई हैं। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी चॉइस है आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपने कौन से यूज़ करनी है, ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है चीज़, यानी प्रोडक्ट की नेचर क्या है, प्रोडक्ट की या सर्विस की नेचर क्या, मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है जिसमें प्रोडक्ट सेल करना है, कंपटीशन किस तरीके का फेस किया जा रहा है, इंटेंस है या नॉर्मल है, टारगेट कस्टमर क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या है बिजनेस के। इवन कई बार बिजनेसेस मल्टीपल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कंबाइन कर देते हैं, एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी नहीं हेल्पफुल होती प्राइस को सेट करने के लिए। सो मल्टीपल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, अपनी प्राइसिंग के अप्रोच को एडजस्ट किया जाता है ओवर टाइम मार्केट डायनामिक्स को मद्देनजर रख के, और ताजो वो अपने बिजनेस गोल्स को इन्वॉल्व कर सके। सो यहाँ तक हमारी ऑलमोस्ट मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है। अब ये सेशन, ये क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जस्ट हमारी बिजनेस 3 इकोनॉमिक्स का बहुत कम सिलेबस रह गया, कल की क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर बिजनेस इकोनॉमिक, टारगेट रिटर्न, प्राइस लाइनिंग और सीलिंग हो गया, बुक कुछ बुक्स हैं उनके ऑथर्स, नॉब इफेक्ट हो गया, शटडाउन पॉइंट क्या आता है, नीति आयोग क्या, बस देन अब वी विल बी ऑन अवर यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस। सो आज का सेशन मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, कल फिर करते हैं कंटिन्यू, और कल हमारी कॉमर्स की यूनिट 3 भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, जस्ट 7 यूनिट्स रह गए हैं पीछे। सो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे क्लासेस और PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।